दोस्तों, अगर आप भी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हो और इसके लिए आपने प्ले स्टोर से नारी शक्ति एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल किया है, लेकिन जब आप इसको ओपन कर रहे हैं, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर रहे हैं, तो आप इसमें लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। आपको किसी तरह का यहाँ पे एरर देखने को मिल रहा है, आपकी ओटीपी नहीं आ रही है, या फिर सर्वर नॉट रिस्पॉन्स का आपको एरर देखने को मिल रहा है, या फिर इसके अलावा आपकी ओटीपी आ भी जाती है तो ओटीपी एंटर करने के बाद फिर से कोई एरर देखने को मिलता है। कुल मिला के अगर आप नारी शक्ति एप्लीकेशन में यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आज के सिर्फ आप लोगों को इसी का तरीका बताने वाला हूं, आपकी इसी प्रॉब्लम का आपको परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूं कि आप इस नारी शक्ति एप्लीकेशन में किस तरह से यहां पे लॉगिन कर सकते हैं और मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना के लिए ऑनलाइन किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपके भी साथ ये प्रॉब्लम है, आप नारी शक्ति एप्लीकेशन में यहां पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, आपको किसी भी तरह का यहां पे एरर देखने को मिल रहा है, तो आज के इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर आखिर तक पूरा जरूर देखिएगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोग के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहां पर नारी शक्ति एप्लीकेशन को ओपन किया हुआ है और यहां पर जैसे ही मैं अपना नंबर एंटर करके यहां पर लॉगिन कर रहा हूं, तो यहां पर मुझे लॉगिन की कोई ओटीपी वगैरह रिसीव नहीं हो रही है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर आपको आ रही है, किसी और तरह का आपको यहां पर एरर देखने को मिल रहा है, तो आपको करना क्या है कि यहां से आपको इसको रिसेंट एप से हटा देना है। रिसेंट एप से हटाने के बाद आपको करना क्या है कि आपकी नारी शक्ति एप्लीकेशन पर आपको लॉन्ग प्रेस करना है। लॉन्ग प्रेस करने के बाद आपको ऐप इन्फो में जाना है। ऐप इन्फो में जाने के बाद यहाँ पर ऊपर आपको स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा, आपको स्टोरेज पे जाना है और नीचे आपको क्लियर डाटा का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सबसे पहले क्लियर कैशे कर देना है। इसके बाद में दोबारा से आपको इस पर टैप करके क्लियर ऑल डाटा कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ से बैक लेना है। बैक लेने के बाद आपको यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाने के बाद फिर से आपको यहाँ पे नारी शक्ति एप्लीकेशन को सर्च करना है। जैसे आप इसको सर्च करेंगे, आपको यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई अपडेट तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अगर नारी शक्ति एप्लीकेशन का यहाँ पे न्यू अपडेट आपको देखने को मिलता है, तो ओपन की जगह आपको अपडेट का बटन मिलेगा, उस पर टैप करके आपको इसको अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद फिर से आपको अपनी नारी शक्ति एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे आप इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, फिर से आपके सामने इस तरह से यहाँ पे कुछ इंडिकेशन आते हैं, यहाँ से डन कर दीजिए। अब यहाँ पे अपना नंबर एंटर करके आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, आपकी ओटीपी भी आ जाएगी और आप यहाँ पे लॉगिन भी हो जाएंगे। लेकिन अगर इसके बाद भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इतना आपने सब कुछ कर लिया, आपकी एप्लीकेशन भी अपडेट है, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे ओटीपी नहीं आ रही है या किसी और तरह का एरर आ रहा है और यहाँ पे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो दोस्तों, नारी शक्ति एप्लीकेशन में आपको पता है कि यहाँ पे जब से ये योजना लागू हुई है, इसके ऑनलाइन अप्लाई यहाँ पे शुरू हुए हैं, तब से नारी शक्ति एप्लीकेशन में लाखों लोग पर डे यहाँ पे एक साथ इस एप्लीकेशन में फॉर्म अप्लाई करते हैं और इसकी वजह से इस तरह के एरर देखने को मिलते हैं। तो इसका एक सेकंड सोल्यूशन मैं आपको और बता देता हूँ कि इसका एक पोर्टल लॉन्च हो गया है, आप उस पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको करना क्या है कि मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आपको सिंपली उस लिंक पर क्लिक करना और मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको आ जाना है। टेलीग्राम चैनल पे आने के बाद यहां पर आपको ये लिंक देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ऐसे ओपन कर लेना है। जैसे आप इसको ओपन करेंगे तो आप इसके मेन पोर्टल पे पहुंच जाएंगे, जो रिसेंटली इस योजना के आवेदन के लिए यहाँ पे ऑनलाइन लॉन्च किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, यहाँ पर आपको जो सेंटर में थ्री डॉट मिलता है, आपको थ्री डॉट पे जाना, और थ्री डॉट पे जाने के बाद यहाँ पर आपको सबसे नीचे फोर्थ नंबर पर अर्जदार लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, इस पे जाएंगे। अब यहाँ पे आपका अभी कोई अकाउंट है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, अकाउंट नहीं है तो नीचे आपको क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे टैप करेंगे। यहाँ पे आपको अपना फुल नेम देना है, जो भी आपके आधार कार्ड पे, अपना मोबाइल नंबर देना है, पासवर्ड क्रिएट कर लेना है, अपनी डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज वगैरह ये आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपको सिलेक्ट कर लेना है, और ऑथराइज पर्सन वगैरह सारी डिटेल आपको डालना है। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना है, यहाँ से कैप्चा को आपको वेरीफाई करना और यहाँ आपको साइनअप कर लेना है। जैसे आप साइनअप करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे, और उसके बाद में यहाँ पर आप वही नारी शक्ति एप्लीकेशन में जो आपको फॉर्म दिया जाता है मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का फॉर्म आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से भी आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और पोर्टल के माध्यम से अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इन फ्यूचर में आप लोगों के लिए जो भी वीडियोज अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।